एडलेड में खेला जा रहा पहला डे नाइट टेस्ट टीम इंडिया ने पहली पारी में 244 रन बना सकी। कप्तान विराट कोहली ने 74 रन पर रन आउट हो गए थे। उन्होंने 180 गेंदों का सामना किया था। कोहली को अजिंक्य रहाणे ने रन आउट करा दिया था। मैच के 77वें ओवर में नाथम लियोन की आखिरी गेंद पर रहाणे ने मिड ऑफ की तरफ शॉट खेलकर कोहली को रन के लिए बुलाया। कोहली पिच के मध्य तक पहुंच गए थे तभी रहाणे रन लेने से मना कर दिया। कोहली क्रीज के बीच में ही रह गए और वे रन आउट हो गए। विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन आउट होने से पूर्व स्पिनर शेन वॉन दुखी हैं। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महान बल्लेबाज विराट कोहली को रन आउट होते देखना निराशाजनक लगा। उन्हें रन आउट होने से मैं निराश हूं। क्रिकेटर लवर्स के लिए भी ये शर्मनाक है। कोहली ने पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 180 गेंदों का सामना कर 74 रन और तेजस्वर पुजारा ने 160 गेंदों का सामना कर 43 रन और अजिंक्य रहाणे ने 92 गेंदों का सामना कर 42 रन बनाए हैं।